अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बनाने वाली हूँ छोले। तो ये हैं आलू, इनकी हम बनाएंगे चाट, छोला चाट। और ये हम मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं इस तरीके से, और अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा ऑयल हो चुका है अच्छे से गरम, और ये है सरसों का तेल। तो इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है सबसे पहले, और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मेथी दाना, और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें तेज़पात पत्ता। और इसके बाद ये मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर, हरी मिर्ची, मैंने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। इसको भूनते हैं हमारे अच्छे तरीके से, और इसको ज़्यादा बारीक मैंने ग्राइंड नहीं किया, इस तरीके से मोटा मोटा इसको कोट किया है। फिर ये सारी चीज़ें इसमें मोटी मोटी हैं, ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगता। इसको अच्छे से भूनते हैं, और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं और मसाले, अपने सूखे मसाले। इसमें करते हैं हल्दी ऐड आधा चम्मच, और करते हैं एक चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर, क्योंकि ये वैसी है, थोड़ी तीखी नहीं है। और करते हैं इसमें धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से भूनती हूँ मसाले को। काफ़ी हद तक भून चुका है, तो इसमें ऐड कर देते हैं हम थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको ऐड करते हैं लगभग आधी चम्मच से कम होगा थोड़ा सा, तो इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। ये मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है, तो इसमें ऐड कर देते हैं ये पेस्ट बनाया मैंने आलू का थोड़ा सा, क्योंकि तो मैं ये चावलों के साथ बना रही हूँ, और पूड़ी के साथ भी इस तरीके से अच्छी लगती है। और ये मैंने बनाया छोले, मैंने ग्राइंड किए हैं ये लगभग इससे चम्मच से एक चम्मच, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी इस मसाले में। ये अच्छे से भून चुका है, तो इसमें ऐड कर देते हैं हम छोले। पानी ऐड कर दिया है, इस तरीके से हो चुके हैं ये छोले, और इन पत्तों को हम निकाल देंगे। अब और इसमें साथ ही ऐड कर देंगे छोला मसाला लगभग एक चम्मच, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और खटाई की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर डाले हुए हैं। और करते हैं साथ ही मेथी ऐड, सूखी मेथी है ये पैकेट वाली, और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। छोले देखिए, तो इसमें काफ़ी हद तक बन चुके हैं, और इसमें अच्छे से होल भी आने लग गया है, पक गए हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है लास्ट में, वो होगी हींग इतनी, और ऐड करने कर देंगे इसमें हरा धनिया। और ये बनके तैयार हो चुका है, देती हूँ मैं इस तरीके से। ये छोले बनकर तैयार हुए हैं, तो बंद कर देते हैं। बनने वाले हैं छोला चाट। मैं किस तरीके से बनाती हूँ और आपका तरीका कैसा है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। ये उबला हुआ छोला है, इसको मैंने इसमें लिया इस तरीके से, और इसमें मिक्स करेंगे कटा हुआ आलू ऐसे, और मिक्स करूंगी इसमें प्याज, हरी मिर्ची बारीक काट कर,
हरा धनिया और पुदीने की चटनी एक चम्मच, थोड़ी कम है थोड़ा सा और ले लेते हैं। और करना है इसमें जीरा, भुना हुआ जीरा कुटा हुआ थोड़ा सा, थोड़ा सा ऐड करना है इसमें काला नमक, और ऐड करनी है इसमें काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा, और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। तो ये चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से चाट बनाती हूँ मैं। और जब हम खाएंगे ना तब हम खीरा भी इस पर गार्निश कर लेंगे बारीक काट कर, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से चाट बनाओ तो। ये है चाट का फाइनल लुक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।